हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि कल हमने आपके फर्स्ट वीडियो में 3 डिजिट्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और बच रहे थे जो हम आगे नेक्स्ट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कल हमने जैसे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और ग्रेटर लेसर के बारे में पढ़ लिया था, तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंड फॉर्म कैसे करते हैं और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है और ग्रेटर और लेसर में कौन से नंबर आते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डरिंग में कौन से नंबर आते हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म मतलब पूरी तरीके से उसको खोल करके लिखना किसी चीज़ को। जैसे आप घर पे कोई नया टॉयज लेके आते हैं, नए टॉय लेके आते हो, तो कुछ बच्चे नहीं होते हैं कि उस पूरे को खोल देते हैं, उसके ब्लड्स वगैरह अलग से निकाल देंगे, उसमें स्प्रिंग है उसको अलग से निकाल देंगे, उसके सेल अलग से निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सपेंड फॉर्म करके लिखनी है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें 658, तो देखो ये वंस, ये टेंस और ये हंड्रेड। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि हमें इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में पता होना ज़रूरी है, तो प्लेस वैल्यू के बारे में हमने लिख लिया। तो हमें एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखना है कि जो नंबर जिस नंबर के साथ में है उसी से मल्टीप्लाई करके उसको हम क्या कर देंगे, मतलब खोल करके और उसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। जैसे 6 हमारा किस पे, 100 पे, तो मैंने यहाँ क्या किया, 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और 5 हमारा किस पे है, 10s पे है, तो 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। और 8 हमारा किस पे है, 1s पे है, तो 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 600। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 50। और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8 आया। इस तरीके से आपको एक्सपेंड करके लिखना है ना, बहुत इजी है ना ये। तो जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें 901, तो 1 किस पे है, 1s पे, 0, 10s पे और 100 पे क्या है, 9 है। तो आप देखो इसको कैसे लिखोगे, 1s पे हमारा क्या है, 1, तो 1 से हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को। 0 हमारा किस पे है, 10s पे, तो 0 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। और 9 हमारा किस पे है, 100 पे, तो 9 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 900। 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 0 को हम किसी भी नंबर से, चाहे कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही नंबर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 0 आ गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। ये तो आपका क्या था, एक्सपेंड फॉर्म। अब हमें क्या देखना है, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मतलब इन सब को ऐड करके लिख देना, ठीक है। यानी ये इस तरीके से आपको दिया हुआ होगा और इसको हमें क्या करना है, ऐड करके लिखना है। जैसे देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 200 + 70 + 3, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से लिखोगे, वंस के नीचे जो वंस वाले नंबर हैं वो लिख देना, टेंस के नीचे टेंस वाले और हंड्रेड के नीचे हंड्रेड वाले लिख देना, और इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 273 आ गया ये, ठीक है। समझ में आया, एक्सपेंड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में। एक्सपेंड में मतलब इस तरीके से हमें मिलेगा, नहीं सॉरी, इस तरीके से हमें मिलेगा और ये करना है, ठीक है। और शॉर्ट में क्या करना है, ये हमें दिया हुआ होगा, उन सबको क्या करना है, ऐड करके लिखना है। जैसे ये 900 + 0 + 9 दे रखा था, तो इनको ऐड करेंगे, 0 वंस के नीचे 009 आ गया, क्योंकि ये वंस है, ये भी वंस है, ये वंस, ये टेंस और ये हंड्रेड, ठीक है। यहाँ थ्री नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, हम थ्री डिजिट की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसको ऐड कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, आप इजीली कर लोगे, एडिशन करना तो आप सभी को आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं इन सिंबल्स का यूज करना। देखो मैंने आपको पहले जो रिविजन करवाया था उसमें भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर, ठीक है, यानी बड़ा वाला। और इसका क्या होता है, लेस देन, ठीक है, यानी छोटा वाला। और इक्वल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल, यानी जो बराबर है, ठीक है। जैसे आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 86 और 103, तो 103 बड़ा होता है या 86 बड़ा होता है, 103 बड़ा होता है, तो इसका मतलब हम इसको इस साइड मूव ओपन कर देंगे, यानी जो नंबर बड़ा होगा ना उसी की साइड में हम उसका क्या कर देंगे, मुँह ओपन कर देंगे। जैसे ये नंबर बड़ा है तो इसकी साइड हमने इसका मुंह खोल दिया, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 681 और एक दे रखा है 718, तो हम क्या करेंगे, इस साइड इसका मुंह ओपन कर देंगे, क्योंकि हमारा ये नंबर बड़ा है। 700 बड़ा होता है या 600 बड़ा होता है, 700 बड़ा होता है, तो इस साइड हम इसका मुंह ओपन कर देंगे, ठीक है। ये तो आपका गया ग्रेटर के लिए। अब ये इक्वल वाला साइन ये कैसे यूज करते हैं, जैसे एक साइड मैंने इधर लिखा 830, इधर भी मैंने क्या लिख दिया 830, ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्वल, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना,
ये भी 830 है, ये भी 830 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी जो नंबर बड़ा है, अगर इस साइड नंबर बड़ा है तो हम इस साइड अगर नंबर दे रखा है तो इस साइड मूव कर देंगे इसका ओपन, इधर कोई बड़ा नंबर दे रखा है तो इधर कर देंगे, और अगर दोनों साइड बराबर दे रखा है तो हम ये बराबर का साइन लगा देंगे। ओके, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ए से स्टार्ट होके हम कहाँ जाते हैं, बी पे, और बी से स्टार्ट होके कम जाते हैं सी पे, और सी से डी, फिर ई, यानी ये 1 2 3 4 5, यानी कहाँ से स्टार्ट किया हमने, पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया, और फिर कहाँ से किया, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैंने 3 डिजिट वाले नंबर पढ़ रहे हैं, तो 3 डिजिट के ही नंबर लिए हैं। तो देखो ये कितना है, 385, ये 712, और ये 456, और ये 721। अब हमें क्या देखना है, असेंडिंग में हम पहले क्या देखेंगे, सबसे छोटा नंबर देखेंगे। तो देखो 385, 712 और 456, 721। तो देखो 100 वाले नंबर से स्टार्ट करो, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 4, और यहाँ कितना है 7। तो 3 बड़ा है, 3 छोटा है, या 7 और 4 छोटे हैं, ऑब्वियस सी बात है 3 पहले आता है, तो 3 छोटा है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, ये 3 वाला नंबर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, यहाँ क्या है 4 है, 4 आता है, तो फिर हमने 4 लिख दिया। फिर हमारा देखो क्या है, हमारे पास नेक्स्ट 712 और 721। अब ये देखो 71 पहले आता है, देखो यहाँ तो 7 है, यहाँ भी 7 है, अब हम दो दो नंबर ले लेंगे, यहाँ 71 है, यहाँ 72 है, तो 71 छोटा है या 72 छोटा है, 71 छोटा है, तो हमने 71 वाला लिख दिया, और लास्ट में सबसे बड़ा लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में करना है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 4, तो 2 छोटा है तो हमने 2 वाला लिख दिया, फिर आता है 3 तो हमने 3 वाला लिख दिया, 307, 3 के भी यहाँ 2 हैं, 307 और 370, तो ये 30 बड़ा होता है या 37 बड़ा होता है, 37 बड़ा होता है, हमें क्या लेना है, छोटा लेना है पहले, तो हमने यहाँ इसको क्या लिख दिया 307, और फिर इसके बाद बड़ा वाला लिख दिया, फिर 4 आता है, और लास्ट में 7 आता है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब से एक वर्ड याद रखो, डाउन, डाउन या मतलब नीचे जाना। नीचे कैसे आओगे, जैसे 4 से कहाँ आओगे 3, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, तो इसमें क्या करोगे, पहले आप सबसे बड़ा नंबर लिखोगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, ये वाला 635, 536, 356 और 563। तो डिसेंडिंग में हमें क्या लेना है, पहले सबसे बड़ा नंबर लेना है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है इसमें, 3, 5 या 6, ऑब्वियस सी बात है 6 बड़ा होता है, तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ 635 वाला नंबर लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 5 के हमारे पास यहाँ दो नंबर है, 536 और 563, तो ये देखो 53 बड़ा है या 56 बड़ा है, 56 बड़ा है, हमें यहाँ बड़ा नंबर लेना है पहले, तो हम क्या कर, हमने एक बड़ा नंबर लिख दिया ये वाला 563 वाला, फिर इसके बाद 536 और लास्ट में 356, क्योंकि इसमें क्या है 3 है, तो ये हमारा सबसे छोटा है, तो लास्ट में हमने इसको लिख दिया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में किया है, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिख दिया, जैसे 360 यहाँ क्या है 36, 360 और 345 दो नंबर है ना, तो 34 बड़ा होता है या 36 बड़ा होता है, 36 बड़ा होता है, तो हमने पहले 36 वाला लिख दिया, फिर 34 वाला, फिर देखो 290 और 240, 29 बड़ा होता है या 24 बड़ा होता है, 29 बड़ा होता है, तो हमने फिर 29 वाला लिख दिया, और फिर 24 वाला, और लास्ट में 18, हमारा क्या है 1 है, 1 सबसे छोटा होता है, तो हमने 1 को क्या लिख दिया लास्ट में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या लिखना है, पहले सबसे छोटा और फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, और डिसेंडिंग में क्या लिखना है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के इस चैप्टर के आपके नंबर्स के बारे में। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।